ये जो आज हर मुरीद अपने पीर को वली बनाने की ख्वाहिश में लगा हुआ है, इश्तिहार और पोस्टरों में जो विलायत तकसीम कर दी जाती है बड़ी आसानी से, ये विलायत बड़े अजमत की चीज़ है। अरे मियाँ, आप ज़रा गौर तो करो ना, ये हर दानिश्वर ये कहता है कि अगर किसी इंसान की शख्सियत पर्सनालिटी का अगर जायज़ा लेना हो तो उसके फ्रेंड सर्किल को देखो, उसके दोस्त के दोस्तों को देखो, दोस्तों से उस शख्सियत की पहचान हो जाएगी। अब अल्लाह का दोस्त क्या बात कैसा होगा मेरे प्यारे, ये तो वही हाल हो गया। आप शाहराह पे बाहर निकले, सड़क पे एक जाता हुआ इंसान नजर आया, आपने पकड़ा, कहा महमूद मियां का दोस्त। कमाल है भाई, मेरा दोस्त मैं बनाऊंगा कि आप बनाएंगे? तो अल्लाह का दोस्त अल्लाह बनाएगा कि आप बनाएंगे? वली को वली कहोगे तो सवाब है, अगर जो उस मकाम तक नहीं उसे तुमने वली बना दिया तो विलायत की तौहीन भी है ये, क्योंकि उस शख्स को तुम अल्लाह का दोस्त बना रहे हो जो उस मियार का है ही नहीं। ये किसने कह दिया तुमको कि पीर होने के लिए वली होना जरूरी है? ये काम जिसका उस पर छोड़ो ना, पीर के लिए वली होना जरूरी नहीं। पीर के लिए होना जरूरी है कि वो शरीयत का आमिल हो और ईमान और अकायद और मसलक का इल्म रखता हो। जब उसे इल्म ही नहीं होगा, जब वो अपना अकीदा नहीं बचा पाएगा तो आपका क्या बचाएगा? दूसरी शर्त, वो जिस सिलसिले से भी है उस सिलसिले से उसका रूहानी ताल्लुक जुड़ा हुआ होना चाहिए, मुंसलिक होना चाहिए, मुनकता नहीं होना चाहिए, और अखलाक के बाब में, मुरव्वत के बाब में वो कमाल लगता हो, मुरव्वत भी हो, वजादारी भी हो, ये सब हो तो और सोने पे सुहागा है। ये शर्त है, याद रखो, ये विलायत हम आपकी चीज नहीं है, ये तो रब के फज्ल की चीज है। एक इंसान आलिम भी हो, मुफस्सिर भी हो, मुहद्दिस भी हो, फकीह भी हो, मुत्तकी भी हो, शब्बाश भी हो, तहज्जुद गुजार भी हो, इशराक को चाश भी पढ़ता हो, अवाबीन भी पढ़ता हो, सारी नमाजें पढ़ता हो, 24 घंटा उसकी जिंदगी सजदों में गुजरती हो, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं कि वो वली हो। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो वली होगा उसमें ये तमाम खूबियां होंगी। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता, अपनी तरफ से नहीं दूंगा, कुरान किसी आयत में, कि ये मेरे दोस्त बंदे हैं, ना कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। मौला वो कौन लोग हैं? तो अल्लाह तबारक तआला अगर इरशाद फरमाता, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और जिंदगी के हर लम्हा मुझसे डरते रहे। अब कोई आपको आसमानों में भी उड़ता हुआ नजर आ जाए ना, ये धड़ से जो वली कह देते हो ना, ये आदत बदल दो, वली मत कहना, पहले देखना ईमान वाला है कि नहीं। अच्छा, ईमान वाला है, अब देखो कि तकवे वाला है कि नहीं। तकवे वाला है तब गुमान करना कि ये हो सकता है कोई अल्लाह का वली हो, ये उड़ना उसकी करामत हो। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई नहीं, ये दोनों नहीं, तो मेरे प्यारे, वो सब कुछ हो सकता है, नजर का धोखा हो सकता है, जादूगरी हो सकती है, इस्तदराज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन विलायत नहीं हो सकती। अब यहां पर बात आ गई, ईमान तो पता चल जाएगा कि ईमान वाला है कि नहीं है, तकवे वाला है कि नहीं, ये कैसे जानोगे? इसलिए बाबू के जलवत का तकवा और होता है, खलवत का तकवा और होता है, यही और काबिले गौर होता है। महफिलों में बैठ के तो सब मुत्तकी हो जाते हैं, तनियों तन्हाइयों में कौन मुत्तकी है कौन नहीं है, ये कैसे जानोगे? और वली तो वो होता है जिसकी तन्हाई और जिसकी महफिल सब एक जैसी होती है, वो मुत्तकी हर लम्हा होता है, हर आन होता है, खशियत इलाही हर वक्त उसके वजूद पर तारी होती है, वो कभी भी खशियत इलाही से उसका वजूद खाली नहीं होता, वो हर वक्त रब की खौफ और खशियत के साथ। तो आप जानोगे महफिल में तो सबको मुत्तकी देखोगे, सब हाथ बांध के सर झुका के खड़े रहेंगे। अभी तक लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि ये जो सर झुका के बैठते हैं, ये लोगों ने सुना है कि औलिया इकराम ऐसे ही सर झुका के बैठते हैं, तो नकल करनी शुरू कर दी, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम सर झुका के बैठते क्यों हैं। बस बात यह है कि ये सर झुका के हमारे आला हज़रत अशरफ़ी मियां ने फरमाया, तो थोड़ा सा इशारा दिया था, थोड़ा सा इशारा दिया था कि झुका के सर बैठते हो तुम क्यों, ये राज है अशरफ़ी बता दो, बंधा है किसका तुम्हें तसव्वुर, ये किसकी शक्लें हंसी हैं दिल में, तुम्हारे दिल में ये किसकी शक्ल खूबसूरत शक्ल है। ये औलिया इकराम उसी शक्ल की ज़ियारत करते हैं सर झुका के, उसी के जलवों में खोए रहते हैं, उसी की यादों में खोए रहते हैं। ये औलिया इकराम वो हैं जब आंख बंद करते हैं तो नज़ारे देखते हैं। अब कोई कह दे कि हम भी सर झुका के देखते हैं, तो पहले उनसे पूछना कि जिस दिल में ये हसीन जलवा है वो दिल कहाँ है, पहले ये बता दो। अरे मियाँ, इसी दिल को पाने के लिए तो एक मुत्तकी बंदा
तखवा शियार बंदा अपनी उम्र के अक्सर हिस्से गुजार देता है, शब्बाशी में, जिक्र फिक्र में, तखवो तहारत में, तस्वीर तहलील में। जिंदगी का एक वक्त लम्हा गुजर जाता है इसी दिल की तलाश में। चूंकि आला हजरत शफी मियां इशारा फरमाते हैं, क्यों ढूंढते फिरते हो आलम में, क्यों हो उसकी तलाश में गुम, फी अनफुसकुम फी अनफुसकुम फी अनफुसकुम। इसलिए औलिया इकराम जंगलों में नहीं जाते, वो तन्हाइयों में बैठ करके उसे ढूंढते हैं। किसे ढूंढते हैं? उस दिल को ढूंढते हैं जिस दिल में ये सब जलवे होते हैं। और जिसे ये दिल मिल जाता है फिर नजरें उठा के नहीं, नजरें झुका के दुनिया को देखते हैं। कभी पूछा जाए वो दिल कहाँ है, आपसे भी पूछूं दिल कहाँ है, आप कहोगे गोश कर लो थोड़ा। अरे यार, अगर वही दिल है जिसमें ये जलवे रहते हैं तो जिसकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई, डॉक्टर ने सब धुलधुला के निकाल दिया, अभी तक लोगों को पता ही नहीं कि जिस दिल में ईमान होता है, जिस दिल में यकीन होता है, जिस दिल में ये जलवे होते हैं, जिस दिल में ये सब शक्लें हंसी होती है, वो दिल इंसान में कहाँ होता है। इसी को पाने के लिए तो एक मर्द मोमिन, एक मुत्तकी बंदा अपनी जिंदगी के अक्सर हिस्से गुजार लेता, जिस दिन वो उसे पा लेता है वो बाकमाल हो जाता है।